हेलो दोस्तों, सुबह के नमस्ते सभी दोस्तों को। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और ये हमारे गांव का मौसम। इस तरफ धूप देख सकते हैं आप, ये इधर से धूप निकली हुई है। सूर्य भगवान जी ये पेड़ के बीच से दिख रहे हैं आपको। 8:30 बजे का मौसम देखिए, ये पेड़ों के बीच में ये हमारा घर। यहाँ पे चाचा जी के घर से और ये रास्ता आ रहा है इधर पेड़ों के बीच, पीछे पीछे ये यहाँ से, और यहाँ पे हमारा घर तो इतनी दूरी पे यहाँ से। तो ये घर में अभी रिपेयर का काम चल रहा है। तो ये मेरे दादाजी ने बनाया था करीब लगभग 40 और 35 साल होने वाले होंगे इसको बने हुए। हाँ, और ये देख सकते हैं ये दीवान रखा था अंदर, तो इतना बड़ा दीवान को निकालने के लिए ये दरवाज़ा भी निकालना पड़ा। ये छोटा सा दरवाज़ा है क्योंकि 35 साल पहले बना हुआ है, तो उस टाइम पे उस टाइम के हिसाब से ठीक था, लेकिन अब हमें छोटा लग रहा है दरवाज़ा। तो ये देखिए, तो ये 2 मंजिला था, नीचे एक नीचे और एक के बीच में। ये जो देख रहे हैं आप दीवार, इसमें लकड़ियों का छज्जा था, बीच में लकड़ियों का फर्श था और ऊपर ये छत देख सकते हैं। ये छत है, तो ये बीच में पहले लकड़ी का जो इसके ऊपर वाली छत थी, तो इसके ऊपर बीच में ये लकड़ियों का फर्श था पहली मंजिल के ऊपर। ये लकड़ियों का छज्जा डला था बीच में, तो ये ख़राब हो चुकी थी, तो ये नीचे धंसने वाला था, टूट रहा था। तो ये हटा के लकड़ियाँ, ये सारा मलबा हटा के तोड़ के, तो ये सरिया डालेंगे। अभी सरिया ला रखे हैं, ये सरिया का फर्श पड़ेगा। तो अभी बीच में टेक लगा रहे हैं, लकड़ी इकट्ठा करेंगे यहाँ से, तो फिर उसके बाद ये सरिया कटेगी, सरिया का फर्श डलेगा मजबूत बीच में। आज का काम यही है। कल हमने ये मलबा बाहर उठ गिराया था, लकड़ी का मलबा और ये मिट्टी का। तो ये गिट्टियाँ कूट के भी रखी है, पापा ने खुद कूटी है पत्थर की। तो गांव में तो यही मेहनत करते हैं, खुद मेहनत करते हैं और फिर मिस्त्री काम शुरू करते हैं। तो गिट्टी कूट के भी रखी है और ये डिश भी लगाया हमारे यहाँ पे टाटा स्काई का। ऊपर से बार बार गिर रहा था, बंदर इसे हिला दे रहे थे, तोड़ दे रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे लगा रखा है ये। तो आज यही काम चलेगा हमारा, अभी 8-10 दिन का काम हो रहा है इस पर पूरा अच्छे ढंग से। तो ये देखिए, यहाँ पे पौधे भी लगा रखे हैं, बेल, खीरे की बेल, और ये संतरे का पेड़, माल्टा बोलते हैं इससे। अभी तो छोटे छोटे हो रखे हैं, कच्चे अभी शुरू ही हुए आने इस पर, ये देख सकते हैं छोटे छोटे, ये बाद में बड़े होते हैं, संतरे बोलते हैं। तो देखिए कितना प्यारा मौसम है यहाँ का, पेड़ों के बीच में बिल्कुल ठंडा ठंडा। तो धूप तेज़ पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे 6 बजे ही धूप आ गई थी सामने, तो अभी मौसम गर्म है, यहाँ पे उमस हो रही है। बाकी आप देख सकते हैं कितने घने घने पेड़ हैं।
तो देखिए दोस्तों, अपना पुश्तैनी घर मत छोड़िए, अपने दादा परदादा ने जिस जन जिन्होंने भी बनाया है उनको रिपेयर कीजिए, रिपेयर कीजिए और यहीं गांव में रह लीजिए। शहर में भी रहिए और गांव में भी, दोनों जगह आप एडजस्ट कर सकते हैं, कभी गांव कभी शहर। तो अपने घर मत छोड़िए, गांव वाला आते रहिए। तो ये सामान अंदर काम चल रहा है तो पूरा गंदा हो जाएगा, इसलिए बाहर पर रखा है हमने बिस्तर वगैरह। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, इसके बाद अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा मैं आपको और क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या काम कर रहा हूँ वो दिखाता रहूँगा। फिलहाल काम करते हैं, मैं भी इतना ही ब्लॉग बनाऊँगा नहीं तो डांट पड़ जाएगी मुझे।